गाइस वेलकम टू वर्चुअल मेडिकल जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ पेंटो 40 टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों जल्दी से बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों ये है मेरे पास पेंटो 40 टैबलेट जो है मेरे पास एबॉट कंपनी की और एक जेनरिक है और इसकी MRP आती है आपकी 65 या 78 रुपये के करीब करीब आपको मिल जाती है और एक अलग अलग कंपनी इसको बनाती है। और ये एक शेड्यूल का ड्रग्स है जिसको आप यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सहायता से इसको यूज़ करिएगा। तो दोस्तों एक जेनरिक है लेकिन जो पेंटो 40 के नाम से आती है वो कुछ इस तरीके की पैकिंग से आती है और जो इसकी MRP होती है वो है 116 रुपये। और एक एरिस्टो बनाता है इसको और इसमें जो ब्रांड होता है वो एक पेंटाप्रोजोल यानी कंटेंट जो है पेंटाप्रोजोल आता है 40 mg का। तो मेरे पास एक कम थी तो मैंने इसी को आपको एक दिखा रहा हूँ और इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये एक अल्सर को रोकने के लिए आती है, जैसे पेट में अल्सर हो जाता है उसको घाव को भरने के लिए आती है तथा जो हेलिकोबैक्टर जीवाणु होता है मतलब जिसकी वजह से आपका पेट में एसिडिटी बनती है और जलन होती है तो ये हेलिकोबैक्टर जीवाणु जो इसी की सहायता से ही ये सब बीमारियाँ होती है तो इसी के संक्रमण को ये जल्दी से ख़त्म करता है और आपको राहत देता है। तो बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। तो ये एक बेसिक मेन यूज़ है, एक एसिडिटी के लिए होता है आपको पेट में, जैसे एसिडिटी हो रही है तो उसको जल्दी से ख़त्म करता है। और गर्ड हो रहा है, जैसे गर्ड मतलब आपको मैंने पहले बता रखा है गैस्ट्रोफेगल रिफ्लेक्शन डिजीज़ होती है, जैसे पेट में और जैसे पेट में जलन होती है ये इसलिए होती है, जैसे कभी कभी होता है कि भोजन जो होता है वो हमारी खाने की जो नली होती है इसोफेगस में उसमें आ जाती है जिसकी वजह से आपको जलन और जलन से सीने में जलन से महसूस होने लगती है। और ये एक गर्ड जो होता है वो लंबे टाइम से होने वाली एक एसिडिटी का ही रूप होता है। और जो नेक्स्ट यूज आता है वो आता है आपका इसका पेट में अल्सर को ख़त्म करता है, जैसे छाले हो जाते हैं पेप्टिक अल्सर कहते हैं जिसको, और पेप्टिक अल्सर आता है पेट के अल्सर तथा डुओडेनम अल्सर को ही पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इन दोनों को जैसे डुओडेनम अल्सर होते हैं और पेट के अल्सर होते हैं इनको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और ये बेसिकली जो पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है ये भोजन की नली और छोटी आंत में विकसित होता है। तो नेक्स्ट यूज जो आता है वो आपका सीने में जलन होती है और गले में जलन के लिए यूज़ होता है, पेट में पेट के रोग होता है जैसे आपको अपच हो रहा है, पेट में गैस हो रही है, खट्टे डकार आते हैं उसमें यूज़ हो सकता है, गले में जलन सी पड़ती है क्योंकि कई कई बार एसिडिटी की वजह से भी गले में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका जोलिंगर एलिशन सिंड्रोम, जो इसमें एक ये आपके अग्नाशय या छोटी आंत के ऊपरी तरफ एक ट्यूमर हो जाता है मतलब एक या अधिक से ट्यूमर हो सकता है और ये एक गैस्ट्रिन हार्मोन का निर्माण करता है जिससे पेट में एसिड वगैरह और छाला वगैरह दस्त वगैरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इसको रिजल्ट देखने को मिलता है। बेसिक ये मेनली यूज इसका एसिडिटी के लिए आता है, गर्ड के लिए आता है, पेट के अल्सर में हो सकता है, सीले में जलन वगैरह हो सकती है, ये मेन यूज़ होता है लेकिन अदर यूज़ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है आपको। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं मितली वगैरह हो सकती है, उल्टी वगैरह हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, कब्ज वगैरह हो सकता है, अनिद्रा आ सकती है, त्वचा पर चकते वगैरह और खुजली वगैरह भी हो सकती है। अगर आपको कुछ भी ऐसा डिजीज होते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। और जो आपका डोज की बात करते हैं इसको लेने का जो तरीका है वो बेसिकली खाने से आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले आप इसका यूज़ करिएगा, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या फिर बेसिक सुबह से नाश्ते से पहले आप इसका यूज़ करिएगा तो बेसिक यही इसकी डोज होती है, लेकिन कई कई बार इसको 2 टाइम चलाना पड़ता है लेकिन वो बीमारी पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी कैसी है और पेशेंट को क्या बीमारी है तो उसमें आराम से इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं पेंटो 40 का। तो दोस्तों ये है कुछ पेंटो 40 के बारे में। अगर सावधानी की बात करें तो आप इसको गर्भावस्था के लिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में एसिडिटी के लिए देते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, तब जाके इसका यूज़ करिएगा और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसका यूज़ ही करिएगा, अंदर अंदर आप इसका यूज़ मत करिएगा, आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, तो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों को आज की वीडियो में इतना ही, तो दोस्तों मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।